सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ ये लो साइन करवा। हाँ ठीक है सर। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। दया कीजिए, जानकारी है जमीन ज्यादा, साइन करो। चलो बर्बाद हो जाएंगे, कैसे जिए। तुम भी जाओ। ठीक है जाओ। हाँ तुम इधर आओ, यहाँ साइन करो। करना तुम भी करो। अब पीछे साइन करो। ये लो बेल लो, साइन करो। तुम यहाँ तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा। ये लो कर। हो गया जाओ। ये सब करेक्ट है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है परमात्मा, शाम को घर आ जाना। हो गया सर। हाँ? सब हो गया। हाँ ठीक है चलो। ले लो। हाँ अरे हम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। अरे अब हम लोगों का क्या होगा, बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा। साहब काम हो गया? हाँ हो गया हो गया, चलो। हाँ अरे तुझे कीड़े पड़ेंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे कुछ नहीं होगा। अरे हम लोग बर्बाद कर दिया। भाई बोल क्या, सरकारी पार्क का आधा हिस्सा हड़प कर दीवार बनवा दी है। हाँ। और बाकी का जो काम बचा है वो अपने लड़कों को कह दिया है। कॉरपोरेशन की जगह पे कब्जा करना या दीवार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम पे कराना बड़ी बात है। अभी उस पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आराम से हजम करेंगे। अरे भाई भाई भाई, 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 भाई क्या हुआ रे भाई, हम लोग स्कूल पे जो कब्जा करने गए थे ना, पांडे ने हमें मार के भगा दिया। वो क्या हुआ? महेंद्र पांडे के आदमियों ने हमें मार के भगा दिया। अभी वो कहाँ? वही पार्क के पास खड़ा है। चलो गाड़ी निकालो। हाँ। चलो हाँ जल्दी करो जल्दी। हाँ। वो जानता नहीं उसने किस पर हाथ डाला है। हाँ। उसे बताएंगे। चलो चलो उतरो सब जल्दी करो। कुटे। हाँ हाँ भाई से बुला कर लाओ। हाँ ए भाई तुमको बुला रहे हैं। उसे बोल मैं बुला रहा हूँ, चल जा। वो इतना बड़ा है क्या? ए हथियार निकालो। ठीक है भाई निकाल। इसकी इतनी हिम्मत, वो मुझसे टकराएगा। जल्दी करो चलो। आ जाओ बताते हैं उसे, आज पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। मुझसे टकराएगा। देख तेरा भाई। अबे जा। उसने मुझे खुलेआम धमकी दी है, उसमें कुछ तो बात है भाई। अभी इतना उड़ रहा है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारी खोपड़ी पर गन रखी थी उसने, अगर तुमने लापरवाही नहीं की होती तो मैं उसे उसी समय मार देता, वहां उसकी लाश पड़ी होती। हाँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अच्छा उस वक्त मैं इधर उधर ध्यान नहीं दिया, अभी क्या करना है भाई ये बोलो, अभी अभी बोलो क्या करना है। पहले ही तुम्हारे नाम पे दो तीन मर्डर केस हैं, अब और नहीं चाहिए। कहा ना मैं उसे देख लूंगा। आओ परमानंद, जो कहा था वो कर दिया? हाँ साहब, आपकी बात कभी मैंने टालिया क्या? हाँ। वो जगह महेंद्र पांडे की बड़ी बेटी कविता के नाम पर है,
ओ ये बात है। हाँ तब ठीक। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ जाओ। भाई लड़की का मामला है ना, मैं संभाल लूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तू मेरी सारी बातें मानता है, पर लड़की के मामले में तू मेरी बात नहीं सुनता। जा पर लापरवाही मत करना, बैठा के आ जाना। Hi, how are you? हाँ मैं बस पहुंच ही रही हूँ। नमस्ते नेताजी। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे आओ इंस्पेक्टर, हवा किस तरफ की चल रही है? अपने एरिया में एक नया एसीपी आया है। ठीक है, घर ले आओ उसे, जो मांगेगा दे देंगे। आप जैसा सोच रहे हैं वो उस टाइप का बिल्कुल नहीं है। न्याय कानून डिसिप्लिन लॉ एंड ऑर्डर मानने वाला एक सख्त ऑफिसर है, डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा अच्छा, है। वहाँ पे हाथ डालेगा हा? सिर्फ इतना ही नहीं नेताजी, उस एसीपी ने आते ही सारे बड़े अपराधियों की लिस्ट बना रखी है, कितने लोगों को अंदर करना है, कितने का एनकाउंटर करना है, सबकी प्लानिंग कर ली है उसने। एनकाउंटर में पहला नाम किसका है पता है? आपके भाई का नाम है। ऑर्डर मिलते ही एक मिनट के अंदर आपके भाई को शूट कर देगा। वो शूट कर देगा? मेरे भाई को शूट कर देगा? नेताजी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, कोर्ट है और कानून है। अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने भाई को अंडरग्राउंड कर दें तो वो बच जाएगा। क्या कहा? उस एसीपी के डर से अपने भाई को अंडरग्राउंड करवा दूं? थोड़े दिनों की तो बात है नेताजी, मामला शांत होने तक रुक जाइए, उसके बाद आप उसका ट्रांसफर करवा दीजिएगा। आपके लिए आपका भाई इम्पोर्टेंट है, ठंडे दिमाग से सोचिए नेताजी। मैं चलता हूँ नेताजी, चलता हूँ भाई। हाँ। ए, हाँ? ये मामला शांत होने तक नगर कोई चले जाओ। भाई आप इसकी बात मानकर? सुन, पुलिस वाले बिल में छुपे सांप की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कब डस लेंगे। मेरी बात मान जा। भाई, मैं वहाँ अकेले जाकर क्या करूँगा? अपने साथ कुछ लड़के ले जाओ। उन्हें ले जाकर क्या करूँगा? क्या? मुझे किसे लेकर जाना है? मैं जाऊँ। किसे लेकर जाओगे? सरप्राइज। ए, पुलिस वाला तुम्हारे एनकाउंटर की बात कर रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो? भैया ये कविता महेंद्र पांडे की बेटी है? महेंद्र पांडे की बेटी कविता। कविता पांडे जी की बेटी? हाँ। ओ ये बात है। हाँ। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी ठीक हैं। हाँ। जाओ इसे लेकर जाओ, खाना वाना खिला दो। ठीक है भैया। चलो तुम्हारे पिताजी को पता चल गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन तो पहले से ही, और अब न जाने। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे पिताजी के पैर पकड़कर विनती की, उन्होंने कहा कि एक भाई हमारा दुश्मन और दूसरा मेरी बेटी से प्यार करने की जरूरत कर रहा है, मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे लात मार कर भगा दिया। पिताजी, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, वो तो सभी प्यार करने वालों को सपोर्ट करते हैं। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो हम दोनों को भी मिला देंगे। ये तो मानी नहीं रही। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है ऐसा लगता है। ऐसी बात नहीं है करण, अगर भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे साथ आती क्या? मैंने अपने प्यार के लिए अपने पिता समान भाई को छोड़ दिया, पर तुम अपने पिता को छोड़कर आने को तैयार नहीं। इतना सोच रही हो तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ
जान चलो।